आज हम निकल रहे हैं लद्दाख की ओर और पहली बार हम जा रहे हैं और देखते हैं कैसा रहता है ये सफर। ये फाइनली हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। तो लद्दाख जाने की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। और भाई यकीन मानिए, जब आप यहाँ के एयरपोर्ट अगर आप फ्लाई करके आ रहे हैं और एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो क्या व्यू है, अमेजिंग व्यू है। मतलब आप जैसे कहते हैं कि फ्लाइट के अंदर ही आप बस मोबाइल निकालते और बस कैप्चर करते चले जाते हैं। एक घंटे की फ्लाइट थी, एक घंटा कुछ 10 मिनट की, और हमें पता भी नहीं चला है। पर हाँ, एक बात जो जरूर, हाँ, दो तीन चीजें हम इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि RT-PCR आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर जब आप शायद आप फ्लाई जब करें तब आपसे ना पूछा जाए, लेकिन जब यहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपकी चेकिंग जरूर होगी कि आपने RT-PCR टेस्ट करवाया। और दूसरी चीज यहाँ पर है कि आपको एक्लिमेटाइज होने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि आप उछल कूद नहीं कर सकते कि आते क्योंकि व्यू जो है ना, आई नो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है व्यू देखते अपने आपको, बट सीरियसली मानिए सांस फूलता है जैसे आप यहाँ पर आते हैं कि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे और इस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए हमें 2 दिन जो है होटल मैनेजर ने कहा है कि आप 2 दिन लेह में ही घूमिए, ज्यादा उछल कूद मत कीजिए। और एक मेडिसिन जो उन्होंने बोली है डायमॉक्स, वो उन्होंने अभी दी है कि भी आप आराम से खाइए इसको और हल्का खाना लीजिए और खूब पानी पीने के लिए बोला है जी। और जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी हम आपको बताते रहेंगे। और शाम में हम जा रहे हैं लेह मार्केट और शांति स्तूप, और जैसे जैसे हम जो जो जगह देखते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं कहाँ पर, लेह पैलेस की ओर। और वाकई में हम जहाँ भी नजर घुमा रहे हैं ना, व्यू कितना ब्यूटीफुल सुंदर लग रहा है। देखिए हम लोग पहुँच भी गए हैं लेह पैलेस की ओर, कितना सुंदर लग रहा है यार ये। तो लेह पैलेस में आने के लिए आपको जो टिकट लेनी पड़ती है वो होती है 25 रुपये पर पर्सन। तो ये जो पैलेस है वो है 9 मंजिलों का और धीरे धीरे हम ऊपर जाते जा रहे हैं। और हिस्ट्री की अगर हम बात करें इस पैलेस की, तो राजा सेंगे नामयाल द्वारा 17वीं सदी में ये बनाया गया है। और इसकी जो इमारत है वो लासा में पोताला पैलेस जो कि तिब्बत में है उसकी तरह है। तो जैसे जैसे आप इस इमारत के फ्लोर्स पे जाते रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर और 8th फ्लोर तक भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ से आपको जो लेह सिटी का ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यै! तो अभी हमने देखा लेह पैलेस, कैसा लगा? यो! तो हमारी अगली डेस्टिनेशन आप साफ साफ देख सकते हैं, ये है शांति स्तूप। और क्या लाइट्स हैं, तो सुंदर लग रहा है ये। और अगर आगे मैं बताऊं तो ये जो शांति स्तूप है ना, वो विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। और मैंने सुना इसका जो बेस्ट टाइमिंग जो रहता है अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं तो सनसेट और सनराइज द बेस्ट टाइम। इस शांति स्तूप की अगर हम बात करें तो वो बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था और इसे शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इसे जापानी और लद्दाखी बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर बनाया था। वाकई में जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो लगता है कि ये शांति का प्रतीक है। और हम इसके अगर ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र तल से 11,840 फीट पर है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। हाँ, अमेजिंग यार। तो शाम के करीब 7:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पर लेह के फेमस लेह मार्केट में हैं, जहाँ पर मिलते हैं आपको एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स जो यहाँ बहुत फेमस है। और अगर आप पश्मीना, तिब्बतन शॉल्स और इन सबको मतलब खरीदना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय। अगर आप शॉपिंग करते करते थक गए हैं तो यहाँ पे खूब सारे कैफे और रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे आप आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्ट।
तो ये था लेह में आज हमारा पहला दिन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।